जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 10:10 और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना या इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अभी दवा लेने के बाद काफ़ी स्वस्थ दिख रहा हूँ, लेकिन हो सकता फिर से बीमार पड़ जाऊँ, मतलब फिर से हो जाए। लेकिन नाउ आई एम फीलिंग वेरी वेल, बट आई विल टेक रेस्ट टूडे। बट ये बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अभी समय हुआ 10:10, 10:10 AM एंड इट इज़ फ्राइडे, 23rd ऑफ अक्टूबर फ्राइडे, 23 अक्टूबर फ्राइडे को 10:10 हुए। सबसे पहले डिस्क्लेमर सेक्शन पे जाते हैं और इस वीडियो को विदाउट स्किप करें देखना दोस्तों, वरना नुकसान भी आपको है। पहले तो डिस्क्लेमर भाई को आप पढ़ लीजिए, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो बिल्कुल भी मत देखिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल हमेशा लिखा हुआ रहता है हर वीडियो में, इसको पढ़ना मैंडेटरी। चलिए, आज का टॉपिक क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों मैं मजबूर हो गया कि एक वीडियो अभी का अभी बनाऊँ पब्लिक को, ताकि आई मस्ट गिव द करेक्ट व्यूज़ जैसा मैंने सेप्टेम्बर मंथ में किया था, चमत्कार। चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले उस वीडियो पे जाते हैं जो सितंबर मंथ में मैंने बनाया था। ये याद होगा 24 तारीख को, जिस दिन निफ्टी 10790 का लो बनाया था, 24 सितंबर। यहाँ आपको डेट दिख रही है वीडियो को, ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, ये वीडियो की किस्मत नहीं थी, 6131 लोगों ने ही देखा था इस वीडियो को, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा लोग इसको डिजर्व करते थे देखना, जैसा वीडियो मैंने बनाया था। रीज़न वाई निफ्टी केप्ट ऑन गोइंग अप फ्रॉम 7511 टू 11790, तब तक का हाई 11794 था। 24 सितंबर तक हमारा निफ्टी का जो हाई बना था वो 794 तक का ही बना था, वो आपको याद है, ठीक है। 31 अगस्त का हाई था, क्योंकि 24 सितंबर के पहले हम 12000 नहीं गए थे, ठीक है। तो तब तक का हाई कैसे क्यों बढ़ा, इसका रीज़न इसमें समझाया। इसमें मैं सेबी की गाइडलाइंस की डिस्कशन कर रहा हूँ, वो आपको सुना देता हूँ थोड़ा सा, फिर हम लोग बात करते हैं। The recently unveiled Stiletto X has revolutionized the hearing tech industry. Its award-winning design. सब कुछ दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं आपको मुद्दा क्यों बड़ा उसका रीजन दिखाता हूँ। ये देखिए सेबी की वेबसाइट है, आपको सबको पता है www.sebi.gov.in। इसमें सेबी जो जो प्रेस रिलीज की है पिछले कुछ दिनों में, वो सबकी डिटेल है, ठीक है। ये सारी प्रेस रिलीज की डिटेल है। तो 18 सितंबर को एक और प्रेस रिलीज सेबी ने किया है, उसमें लिखा रेगुलेटरी मेजर्स टू कंटिन्यू। 18 सितंबर 2020 प्रेस रिलीज नंबर 48/2020, रिलीज नंबर क्या है 48। इससे इन्होंने एक प्रेस रिलीज किया कि जो बैन है शॉर्ट सेलिंग पे, इट विल कंटिन्यू टिल 29 अक्टूबर। कब तक कंटिन्यू करेगा? 29 अक्टूबर का। वो आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जो सर जो इन्होंने प्रेस रिलीज में सर्कुलर दिया वो आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर हम आगे बात करें। ये देखिए ये कौन सा सर्कुलर खोल दिया मैंने। चलिए एनीवे, इस वीडियो को आप लोग रिक्वेस्ट है 24, इसका हेडिंग है रीजन वाई निफ्टी केप्ट ऑन गोइंग, इसको आप लोग देख लीजिए डिटेल में। मैंने इसमें समझाया था क्यों निफ्टी 12000 जाएगा अक्टूबर में। 24 तारीख को जिस दिन निफ्टी 804 की क्लोजिंग किया था, 10804 की क्लोजिंग आई थी और 790 का लो बनाया था। सबको याद होगा 24 तारीख को एक्सपायरी थी, सितंबर सीरीज की एक्सपायरी 24 तारीख को थी। उसी दिन ये वीडियो मैंने बनाया कि निफ्टी अक्टूबर में 12000 क्यों जाएगा, ये भी समझाया इसमें, और सेबी की गाइडलाइंस के बारे में भी समझाया। अब आ जाइए, एक नई गाइडलाइन आ चुकी है कल, तो इससे मैं महरूम नहीं रखना चाहता हूँ मेरे जितने भी यूट्यूब के व्यूअर हैं। यस्टरडे एक प्रेस रिलीज आई है, प्रेस रिलीज नंबर 56/2020, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। प्रेस रिलीज, अरे यार प्रेस रिलीज नंबर 56/2020 ऑन रिव्यू ऑफ द कोविड 19 पेंडेमिक रिलेटेड सिचुएशन, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द
रेगुलेटरी मेजर्स इंट्रोड्यूस वाइड सेबी प्रेस रिलीज डेटेड 20 मार्च 2020 सेल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स टिल नवंबर 26 2000। यानी कि नवंबर की जो एक्सपायरी है वो 26 तारीख की है, आप सबको पता है। ये लोग एक्सपायरी टू एक्सपायरी इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं। फ्रॉम 20 मार्च इसने पहली बार लागू किया था। आपको याद होगा 22 मार्च को हमारे यहाँ पे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, 22 मार्च 2020 को हमारे यहाँ लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो 20 मार्च को ये प्रेस रिलीज आ चुकी थी। इसीलिए मार्केट 23 मार्च के बाद ऊपर ही ऊपर गया। 23 मार्च को मार्केट ने एक बॉटम बनाया था, आपको याद होगा 23 या 24 मार्च को मार्केट ने एक बॉटम बनाया था, आप सबको याद होगा। लेकिन उसके बाद मार्केट केप्ट ऑन मूविंग अप एंड अप और 12,000 भी हम लोग अभी तक पहुंच चुके हैं, 12,025 जब, और जो पिछला वीडियो बनाया था सितंबर में मैंने, तब तक 794 पहुंच चुके थे, 11,794। तो अब ये क्या बोलता है, ये फिर से इन्होंने एक्सटेंड कर दिया बैन को, यानी कि FI पे शॉर्ट सेलिंग का बैन फिर से 26 नवंबर तक। अब FI क्या गेम खेलेगी इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये प्रेस रिलीज आप लोग भी ऑथेंटिसिटी के लिए आइडेंटिफाई कर लीजिएगा वेबसाइट में जाके। मैं अभी तक इसको ऑथेंटिक है बोल के नहीं चेक किया हूँ, लेकिन किसी ने मुझे भेजा था तो मैंने, मुझे लगता है ये प्रेस रिलीज नंबर सही है, फिर भी आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। अब आ जाइए सीधा क्या हुआ था पिछली बार जब 22 तारीख, पिछली बार जब प्रेस रिलीज आई थी 18 तारीख को, आपको याद होगा। तो 18 तारीख के बाद मार्केट ने क्या किया था, प्रेस रिलीज कब आई थी 18 तारीख को, ये 18-9 का चार्ट आपके सामने। 18 से मार्केट गिरा और कब तक गिरा, 24 जब तक एक्सपायरी थी। 18 को रिलीज आई थी, कब आई थी 18 को, याद आ गया आपको, 18 सितंबर को, जो मैंने अभी पिछले वीडियो में दिखाया। 18 से 24 तक 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेडिंग डेज में निफ्टी कहाँ से कहाँ गया, 11,584 से कहाँ गया 10,790 आपको दिख रहा होगा, यानी कि 210 लगभग 800 पॉइंट की गिरावट दे दिया। कितना दिया, लगभग 800 पॉइंट की गिरावट दिया जिस दिन प्रेस रिलीज आई और जब तक उस सीरीज का एक्सपायरी हुआ। तो अब प्रेस रिलीज कब आई है, कल 22 तारीख थी। 22 तारीख को निफ्टी का हाई क्या है, 974, आप लोग लिख लीजिए। यहाँ से अगर 800 पॉइंट गिरता तो निफ्टी कहाँ तक आएगा, 29 तारीख तक कहाँ तक आएगा, 11,100 के करीब, ठीक है, 11,170 के करीब आ जाएगा निफ्टी, कहाँ तक आ जाएगा, 11,170 के करीब आ जाएगा 29 अक्टूबर तक जब तो मुझे लगता है इस बार गिरावट थोड़ी और एक्सटेंड करेगा, क्योंकि US के इलेक्शंस भी है 3 तारीख को और वहाँ अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा। तो 6 तारीख तक मैं गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओवरऑल, 29 की जगह मैं 6 तारीख तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मेरा टारगेट 11,000 या 11,100 का है टिल 6 तारीख, और 30 तारीख तक का मेरा टारगेट है 11,300 और बिलो। उसके बाद मुझे लगता है जो हम लोग नवंबर में बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी जगह वापस दिवाली बनाएगा मार्केट, और नया ऑल टाइम हाई आपको नवंबर में ही बना के देगा मार्केट, न्यू ऑल टाइम हाई नवंबर में बना के देगा, लेकिन इस गिरावट के बाद जैसा सितंबर में भी किया। तो ये मैं बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन आपको दिया हूँ, लेकिन एक बार आपको 11,200 के लिए तैयार हो जाइए, आने वाला है टिल 30 अक्टूबर या फिर 6 नवंबर तक आप 11,200 जरूर 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 देखोगे स्क्रीन पे, ठीक है, 11,200 उधर आपको बाइंग स्टार्ट करना है, ना कि सेलिंग। क्यों, क्योंकि ये वही गेम है। अब देखिए यहाँ से इतनी गिरावट के बाद ये 10,790 के बाद कितना बड़ा जंप दिया, 1200 पॉइंट का जंप दे के कहाँ पहुँच गया, ये 12,025, समझ में। ये बॉक्स में जब ये नोटिफिकेशन आया उसके बाद 5 दिन की गिरावट आपके सामने इस बॉक्स में है, खेद है। और उसके बाद जब इसने बढ़त स्टार्ट की वो 1250 पॉइंट की बढ़त की है इसने, बहुत कम सेशंस में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ट्रेडिंग डेज में इसने 1250 पॉइंट की तेजी की फ्रॉम द लोज ऑफ सितंबर 24। तो ये थोड़ी सी रिसर्च मैंने आपको बता दिया, आशा करता हूँ वीडियो पर लाइक्स कम से कम 3,000 आएंगे, वरना ऐसे वीडियो और नहीं डालूंगा मैं, ठीक है, 3,000 कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बूस्टअप है। पैसे तो आप देते नहीं हो, पैसे मैं मांगता भी नहीं हूँ, लाइक्स मांग रहा हूँ, उसमें कंजूसी मत करो दोस्त,
ये लाइक्स ही मेरे लिए मोटिवेशन है ताकि मैं बीमार भी रहूं तो आपके लिए वीडियो बनाऊं, मेरा फर्ज समझ के, मेरी जिम्मेदारी समझ के। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।